पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। पैसा जब बोलता है तो बहरा भी सुनने लगता है और अंधा भी देखने लगता है। पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा जरूर होता है। मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट, यह फिल्मी डायलॉग है जो हमने कई बार सुने होंगे और पैसों की फजीलत पर अनगिनत वीडियोस फिल्में देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि बस पैसा चाहिए। पैसा है तो दुनिया की हर चीज, हर नेमत आपके कदमों में होगी। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन आज हम आपको सऊदी अरब के रॉयल फैमिली के एक शहजादी की सच्ची कहानी सुनाते हैं जो आज भी लाइव है, जिनके पास इतना पैसा है, यानी उस रॉयल फैमिली के पास इतना पैसा है कि अगर वो नोटों को जलाकर भी रोजाना खाना बनाए तो उनकी क्या उनकी कई पीढ़ियों की जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन जब कुदरत, खुदा, अल्लाह जब आजमाइश लेने पर आता है तो क्या नाम, क्या दौलत, क्या शोहरत, सब धरा के धरा रह जाता है। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली, खालिद बिन तलाल को कौन नहीं जानता। उनकी ठाट बाट तो ऐसी है कि बाथरूम का कमोड, यानी जिस पर टॉयलेट किया जाता है, वो भी सोने का है। उनकी कार पर हीरे जड़े हुए हैं, उनके प्राइवेट प्लेन सोने के हैं। उन्हें सिर्फ यही दुख है कि पैसे कैसे खर्च किए जाए और कहां खर्च किए जाए। लेकिन उनके बेटे यानी शहजादे अल वलीद बिन खालिद तलाल आज 17 सालों से कोमा में है। नौजवान, खूबसूरत शहजादा, सब कुछ है, पैसा है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, लेकिन सब ने मिलकर उस शहजादे को 17 सालों से आज तक होश में नहीं ला सके। 17 साल पहले इस शहजादे का लंदन में एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसके दिमाग पर ऐसी चोट लगती है कि वो कोमा में चला जाता है। आज 17 साल हो गए वो कोमा में ही है। वो जिंदा तो है, सांसें भी ले रहा है, इस दुनिया में फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पर मौजूद भी है, लेकिन आज तक वो आंखें नहीं खोल सका। वो 24 घंटे एक्सपर्ट और बड़े बड़े डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर पर है 17 साल से ये खूबसूरत शहजादा। दुनिया ने इसे स्लीपिंग प्रिंस का नाम दिया है, यानी सोया हुआ शहजादा। हाय, खुदा देता है जिन्हें ऐश उन्हें गम भी होते हैं, जहां बचती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। जरा सोचिए तो सही, एक माँ बाप के दिल पर रोजाना क्या कयामत गुजरती होगी कि 17 साल से वो बेटे को सामने देखते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। वो जिंदा तो है लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स उस शहजादे का इलाज कर रहे हैं। 3 अमेरिकी डॉक्टर, 1 स्पेनी डॉक्टर मुसलसल उसके इलाज में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उस शहजादे को कोमे से बाहर लाने में नाकाम है। हादसे के वक्त इस शहजादी की उम्र सिर्फ 15 साल थी और आज पलंग पर पड़े पड़े पूरे 32 साल का हो गया है। अल्लाह के हम पर कितनी नेमतें हैं। कयामत तक सजदे में रहे सर मेरा ऐ खुदा, तेरी नेमतों के लिए ये जिंदगी काफी नहीं। इन 17 सालों में शहजादे वलीद ने सिर्फ 2 मर्तबा हरकत की है। एक बार अपनी खाला या बहन की आवाज पर, दीदी हेलो हेलो लेट मी सी हाय हेलो दीदी हाय वन मोर ओ हायर 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 दीदी ओ वेरी गुड, और दूसरी मर्तबा सिर्फ जरा सा सर हिलाया।
इन दो हरकतों पर उस खानदान ने खूब जश्न मनाया। उनकी उम्मीदें दोबारा बहाल हुई कि ये अच्छा हो जाएगा। 17 सालों से वैसे भी वो अल्लाह से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। पैसा तो कुछ काम नहीं आया, नाम और शोहरत कुछ काम नहीं आई, हीरे की कार, सोने का कमोड और सोने का प्लेन काम नहीं आया। आखिर में अल्लाह से ही उम्मीद है, लेकिन फिर भी हालत जू के तू। हालांकि ये दोनों वीडियो जिसमें उसने हरकत की है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लोगों ने भी बहुत दुआएं दी, लेकिन अल्लाह के मर्जी के आगे सारी दुनिया, सारे जहान बेबस है। क्या खुदा की कुदरत है, क्या खुदा की आजमाइश है, क्या खुदा की मर्जी है, वो खुदा ही जाने। सच में ये कहानी सुनने के बाद मेरा अल्लाह पर यकीन बढ़ गया, ईमान ताजा हो गया। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। अकल में जो घर कर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। इस सच्ची कहानी से एक बात समझ में आती है, एक सबक सीखने को मिलता है कि तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, तुम्हारे पास शोहरत हो या ना हो, तुम्हारे पास दुनिया हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पास खुदा होना चाहिए, अल्लाह होना चाहिए। क्योंकि हम और तुम हर कदम पर अल्लाह के मोहताज हैं, रहेंगे और होने भी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया, माल आ गया, दुनिया आ गई, इज्जत आ गई, शोहरत आ गई, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे भाई, नहीं, हमें हर लम्हा हर सेकंड अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह की रहम की जरूरत है, अल्लाह के करम और फजल की जरूरत है। हमें हर हाल में अल्लाह से मांगना चाहिए, उसको राजी करना चाहिए, क्योंकि वही से फैसले होते हैं, वही से इज्जत और जिल्लत मिलती है, वही से सेहत और बीमारी मिलती है। हम लोगों के बंगले देखकर, कार देखकर, प्लेन देखकर, उनके स्विमिंग पूल देखकर और उनकी चमचमाती जिंदगी को देखकर अल्लाह के नाशुक्रे बन जाते हैं, लेकिन हर एक का गम उसका गम है, वही जानता है। हमें तो सिर्फ उनके मुस्कुराते हुए चेहरे, उनकी चमचमाती हुई कार नजर आती है, लेकिन वो अंदर से कितने टूटे हुए होते हैं, कितने परेशान होते हैं, वो उन्हीं को पता है और उनके अल्लाह को पता है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और हर हाल में अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ए अकबर, ये वो दर है कि जिल्लत नहीं है यहां सवाल के बाद। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसके बाद हम अल्लाह की कभी भी नाशुक्री नहीं करेंगे, बल्कि जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उसी में खुश रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।